तेरे हैं रोशन आज इसी के दम से चेहरे जुबली ने खुशियों के रंग बखेरे फैमिली फेलोशिप प्रोग्राम सेक्रेट हार्ट के त्रितल पैरिश की तरफ से ऐसे ख़ानदानों के लिए मुनक्कद किया गया है जो 1993 से लेकर 2018 तक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के 25 साल मुकम्मल कर चुके हैं और आज अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की सिल्वर जुबली मनाने के लिए इस पैरिश हॉल में तशरीफ़ फरमा है। हम आपको सेक्रेट हार्ट के त्रितल पैरिश और कैथलिक टीवी की तरफ से आप सबको आप ही की भरपूर तालियों में खुश आमदीद वेलकम और जी आयानो कहते हैं। हम आज इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज खुदा बाप की हमदो सना से करेंगे और जबूर 92 तेरिया सिफतां दे गाने हैं गीत ते करना शुक्र खुदा हम सब मिलकर गाएंगे। तेरिया सिफ्ता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफ्ता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना मैं तो खुश हाल है की
मेरे रब आए हैं चंगी ते करना शुक्रे खुदा कन्या सिफता के कामिया गीत करना शुक्रे खुदा। अभी मैं दावत देती हूँ बाबू रफीक अनवर को कि वो आएं और दुआ में हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें यूं ही फरमाता है कि जब भी तुम कोई काम शुरू करो या कलाम शुरू करो तो सबसे पहले मेरे नाम की शुक्रगुजारी करो। तो अभी मैं दावत देती हूं बाबू रफीक अनवर को। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ए कादिर मुतलिक और अजली खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम तर नियमतों के लिए। और आज खुदावंद खुदा ख़ास तौर पर दुआ करते इन तमाम ख़ानदानों के लिए जिन्होंने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी अज़दवाजी ज़िंदगी के 25 साल खुदावंद खुदा मुकम्मल किए। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, दुआ करते हैं कि जिस तरह गुजरे हुए सालों में तूने इनकी ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकत दी, इनकी ख़ानदानी ज़िंदगी को प्यार और मोहब्बत मेरा अपनी बरकतों में मैं मजबूत रखा। दुआ करते हैं खुदावंद खुदा तो आने वाली ज़िंदगी में भी हमारे इन तमाम ख़ानदानों को बरकत देना, हमेशा इनके साथ होना, इनके बच्चों की हिफाजत करना, इन सब को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी की सलामती अता करना, ताकि खुदावंद खुदा ये ज़िंदगी के और साल देखें, तेरी बरकतों का तजर्बा करें, हमेशा इसी तरह ईमान के साथ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ़ करें और तेरे नाम को मुबारक कहें। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, दुआ करते आज के मुकर्ररीन फादर हेनरी पाल, मिसेस इमानुअल प्रवेज़ के लिए, जो खुदावंद खुदा आज इन तमाम जोड़ों को ख़ानदानी ज़िंदगी के मतलब खुदावंद खुदा बताएंगे, खुदावंद खुदा तो उनको भी बरकत दे। और इसके साथ साथ दुआ करते अपने डायरेक्टर फादर नायद बर्नार्ड के लिए, जिनकी रहनुमाई में खुदावंद खुदा सब ने हमारी टीम ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। खुदावंद खुदा तो हमारे फादर जी को भी और ज़्यादा बरकत दे, ताकि वो अपनी पासबानी ज़िंदगी में हमारे पैरिश को इसी तरह ईमानी जिस्मानी रूहानी तौर पर खुदावंद खुदा उनकी क़ियादत में बढ़ें और तो उससे बरकत पाएँ, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तो तलावते कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ बाबू नदीम हदायत को कि वो आए और तलावते कलाम पाक की तलावत पढ़ें। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका पांचवा बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। बीवियां अपने शोहरों की ऐसे ताबिया रहें जैसी खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है और वो बदन का बचाने वाला है। बस जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबिया है, उसी तरह बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्यार किया और उसके खातर अपने आप को हवाला कर दिया, ताकि उसे कलमे के साथ पानी के गुसल से साफ करके मुकद्दस करें और खुद अपने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करें जिसमें दाग या शकन या इस किस्म की कोई चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। चाहिए कि इसी तरह शोहर भी अपनी बीवियों को अपने बदन की मानत प्यार करें। जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि वो उसे पालता पोसता है जैसे कि मसीह भी कलीसिया को, क्योंकि हम उसके बदन के अज़ा हैं। इसलिए मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये एक बड़ा भेद है यानी मसीह और कलीसिया की निस्बत। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी अपनी बीवी को अपनी मानत प्यार करे
और बीवी अपने शोहर का अदब करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। आज इस ख़ानदानी ज़िंदगी के प्रोग्राम में कुछ स्पेशल गेस्ट जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं और उनको ख़ुसूसी तौर पे आज बुलाया गया है ताकि वो आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकें कि हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को किस तरह से और ज़्यादा मज़बूत बना सकते हैं। तो हमारे आज के जो पहले गेस्ट हैं वो हैं रेवरेंड फादर हेनरी पॉल। ये फैमिली लाइफ कमीशन आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के डायरेक्टर हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको सामने बुलाऊंगा और उनको हार पहनाने के लिए आएंगे मंचा मसीह जी। तालियां रहनी चाहिए जब तक हार जो है उनके गले में डाला नहीं जाता। सो थैंक यू फादर जी। तो इनके साथ हमारे जो आज के दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर इमैनुअल परवेज। आपकी भरपूर तालियों में हम उनको भी सामने बुलाएंगे और उनको हार पहनाने के लिए आमर रुजाक। ये तालियां ज़रा आप जोश के साथ बजाया करें, इनके वैसे पैसे भी नहीं लगते हैं। थैंक यू सर। अभी हम दावत देंगे आज की तीसरी गेस्ट मिसिस इमैनुअल परवेज। आपकी भरपूर तालियों में और उनको हार पहनाएंगी मिसिस परवेज आलम। मिसिस परवेज आलम, सो ख़वातीन को तो अब ज़्यादा तालियां बजाने की ज़रूरत है। बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो वो प्रोग्राम का तारुफ और जो मकसद है वो बयान करेंगे आपके सामने। आपकी भरपूर तालियों में फादर अनायत बर्नर। फादर हेनरी पॉल हमारे आज डायसिस के फैमिली लाइफ कमीशन के डायरेक्टर, मिस्टर मिसेज मैनुअल परवेज जो इस कमीशन के साथ फादर की मुआवनत करते हैं और कमीशन में काम कर रहे हैं ताकि हमारे मुल्क में हमारे डायसिस में जो ख़ानदानी ज़िंदगी है वो ज़्यादा मज़बूत हो। तो हम आपको आपका इस्तकबाल किया गया है। साथ ही मैं सिस्टर्स को वेलकम करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सिस्टर्स का ताल्लुक लोगों के साथ, पास्टरल वर्क के साथ है। तो जब लोग किसी मसले मसाइल में हों तो इनसे मशवरे के लिए आती हैं, तो इसे मैंने कहा था वो भी इसमें शामिल हों। नीज़ हमारे जो हमारे मुबशराने अंजील की मिसेज हैं बुआ जात, वो भी यहाँ पर हैं, क्योंकि जब इलाकों से लोग आते हैं तो वो कैटेगरी मर्द जो हैं मुनाद से और जो ख़वातीन हैं वो हमारी बुआ जो हैं उनके साथ मशवरा या करती हैं या उनसे बातचीत करती हैं। तो मैंने कहा था कि यहाँ जो हमारे कंपाउंड में तीनों मुबशराने अंजील हैं, ये कि जो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो उनके साथ वो भी शरीक हों इस प्रोग्राम से। हम ज़रूर किसी न किसी बात से सीखते हैं, जब भी कोई बात की जाती है या जब कोई बात लिखी जाती है उसका असर ज़रूर होता है, खा उसका असर मनफी हो या मुस्बत हो, लेकिन असर होता है। जब खुदा यूसुफ मसीह ने जब सवाल किया गया और फकीहों फरीसियों का काम ये था कि यीशु को किसी न किसी बात में फंसाना कि क्या हमें इजाज़त है कि हम तलाकनामा लिख दें या दे दें, तो ये कैथलिक टीवी के हवाले से ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में हो रहा है, हमारे 22 जगहों पे कैथलिक टीवी के नशरियात हैं केबल पर। तो हमारी ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में तमाम डायसिस के मोमिन के माली तावन के साथ हम सेटेलाइट पर आएँ, तो ये जब पैगाम जाएगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कैथलिक मोमिन, हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में बहुत से निकाह होते हैं जो अदालतों में निकाह होते हैं, मंदिरों में निकाह होते हैं, गुरुद्वारों में निकाह होते हैं, मस्जिदों में निकाह होते हैं, लेकिन जो चर्च में निकाह होता है ये एक सैक्रामेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि कवनेंट है, यानी एक ये मुआहदा नहीं है बल्कि अहद है। मुआहदे जैसे मेट्रो का मुआहदा हुआ,
तो ये तुर्की के साथ ये ख़त्म हो गया, अभी ऑरेंज ट्रेन का चाइना के साथ ये मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदे चंद सालों के, 10 साल 20 साल 50 साल 2 साल के लिए होते हैं, लेकिन जो निकाह का सक्रामेंट है ये अहद है, ये कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा नहीं बल्कि कवनेंट या अहद है। तो ये अहद 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल 25 साल नहीं बल्कि ताहियात है कि दोनों अफ्रीकन में से जब तक कोई इस दुनिया से अलहदा हो जाता तब तक ये अहद जो है ये हमेशा तक रहता है। तो इसलिए कैथलिक टीवी के हवाले से हमारी जो मसीही तालीम है वो वाज़े होना चाहिए, जो आप यहाँ पर सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल हॉल में मौजूद हैं, लेकिन जो लोग कैथलिक टीवी के हवाले से प्रोग्राम देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि हम इन बातों को जब याद रखते हैं तो ये ख़ानदान हमेशा कायम रहते हैं। पापा आज़म फ्रांसिस ने हाल ही में तीन लफ्ज़ कहे कि ख़ानदान की कामयाबी के लिए बहुत अच्छी बात है। पहली ये कि अगर गलती हो तो सॉरी कहना चाहिए, मैं सॉरी माज़रत चाहता हूँ, या किसी न किसी हवाले से बाज़ औक़ात कई मुल्कों में बराह रास्त ने बात करते वो टेक्स्ट भी कर देते हैं, तो टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम गलती करें तो सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं, और ये पहली बात सॉरी। दूसरी बात ये कि थैंक यू कहना चाहिए। जब घर में सारा ख़वातीन काम करती, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, और मर्द को कोई परवाह नहीं होती या इतने फिक्र की ज़रूरत नहीं कि जब घर आएंगे सब कुछ तैयार होगा, अगले दिन फलां शहर में जाना है, ड्यूटी पे जाना है, कपड़े वगैरह हर चीज़ तैयार होगी, तो थैंक यू कहने में कोई हर्ज नहीं। तो पहली बात सॉरी, फिर थैंक यू, और फिर ये कि तीसरा लफ्ज़ था कि हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये सॉरी थैंक यू, और फिर दूसरों को अप्रिशिएट करना, ये शाबाश देने इसमें कोई हर्ज नहीं। जब हम तारीफ़ करने का बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये मामूल हो जाता है कि हर बार नहीं, लेकिन ये कि खलूस दिली के साथ, क्योंकि ये एक अहद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पास वो दो नहीं बल्कि एक तन होंगे। तो ये शादी से पहले 25 साल पहले आप आज़ाद थे, अपना फ़ैसला कर सकते थे, लेकिन निकाह के बाद मियां बीवी दूसरे के पाबंद हो जाते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मशवरे के साथ चलना है, अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। शादी से पहले आप 100% मर्ज़ी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आप पाबंद हैं कि मैंने अभी आपके जो रिश्तेदार हैं वहाँ शादी है तो मेरा मूड में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी देना पड़ेगी, क्योंकि ये अहद या बाइबल पर हाथ रख कर हम ताहयात एक दूसरे के हाथ दुख और सुख में बराबर के शरीक रहेंगे। तो ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए अपने वक्त को, अपने वसायल को कुर्बान किया जाए, उनकी सेक्रीफाइस की जाए ताकि ख़ानदान में अमन और सलामती कायम रहे। तो ये थैंक यू अप्रिशिएट करना और सॉरी कहना इसमें कोई हर्ज नहीं, ये हमें करना चाहिए ताकि ख़ानदान हमारे कायम रहें। प्रोग्राम के अभी मैं कैथलिक टीवी के डायरेक्टर मिस्टर जैस्पर आशिक और उनकी मिसेज इज़ाबेला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया। और हमने ये सोचा था अपने मुनासिबान के साथ मिलकर कि हमारे पैरिश में हम ईमान के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ हॉल में मसीह फिल्म दिखाते हैं, गिरजाघर में अपने ईमान के बारे में जो सच्चाइयाँ हैं ये उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे मुकस्सा मरियम की ज्यारत से पहले आज बिशप ने बातचीत की और कि ये बुत परस्ती है, ये हुआ, तो हम जो मसीह तालीम उसको दे रहे हैं। तो आज के इस हमारे इस अजलास में, इस सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में या बातचीत में यही मकसद है कि हम हमारे मसीह ख़ानदान ये अपने ईमान में मजबूत हों और एक दूसरे का एहतराम रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे को अपना जिस्म का हिस्सा समझें, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है कि अब ये दो नहीं बल्कि एक तन हैं। और साथ ही खुदा यीशु ने कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। हमें से बाज़ अवक़ात जब हम दूसरों में वो गलत फहमी डालने की कोशिश करते, वो पता है आपने, वो आपके खावंद वहाँ खड़े हुए थे, वो एक मैंने देखा खातून से बात कर रहे थे, तो ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं नहीं मेरा हस्बैंड मेरा है और मेरी बीवी मेरी है, इस पर ट्रस्ट होना चाहिए, आज़ादी भी होनी चाहिए, दूसरों से बात भी कर सकें। तो ऐसी बात नहीं, हम शक व शुबात जब करते हैं तो उससे बहुत से मसाइल फैमिली में पैदा होते हैं। तो जब जो लोग ख़ानदानों में गलत फहमी डालते हैं वो खुदा की बराह रास्त मुखालफत करते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो ये शादी मसीही बंधन जो है, मसीही शादी एक सक्रामेंट है, और इसको जो तोड़ने की कोशिश करता है, गलत फहमी लाता है, लड़ाई झगड़ा को फ़रोग देता है, वो खुदा की बराह रास्त मुखालफत करते हैं।
तो हम आज के इस सेमिनार में मेरी ये दुआ है कि आपने 25 साल का अरसा गुजारा, ये तमाम अभी वो सवाल जब करेंगे कि ये कैसा रहा लड़ाई झगड़ा, ये वो किस तरह कोई मसाइल हुए, कैसे आप इसको करते हैं, तो आपने खलूस दिली के साथ बताना है ताकि आपकी बातचीत दूसरे जो 22 इलाकों में जहाँ कैथलिक टीवी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ केबल पर चल रहा है, आपकी बात अपनी के तजर्बात उन तक पहुँचेंगे ताकि अगर उनमें कोई मसाइल हों तो वो भी आपसे सीख कर अपने ख़ानदान को ज़्यादा मजबूत बना सकें। तो आप तमाम की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। फादर जी बड़ी खूबसूरती से बाइबल मुकद्दस की ये आयत बता रहे थे कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर भी नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए जो हैं वो लेसन जो हैं वो रखती हैं। अगर हम कभी रेडी वाले के पास चले जाएं और वहाँ अंगूर पड़े हों तो आप देखें, पूछें उससे, आपको कहेगा कि ये जो अंगूर गुच्छे में लगे हुए हैं ये 120 रुपए किलो हैं। तो सात टूटे हुए जो अंगूर पड़े होते हैं, आप कभी उससे पूछें कि ये कितने के हैं तो वो आपको 30 रुपए के, 45 रुपए के भी दे देगा। तो इसका मकसद ये है कि जुड़े रहने में और एक दूसरे के साथ रहने में ही बरकत है, वरना उन अंगूरों की तरह हमारी कीमत आधी भी नहीं रह जाती। तो आज ख़ानदानी ज़िंदगी पे बात करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर फादर हेनरी पॉल साहब को दावत दी गई है, क्योंकि वो आर्च डायसिस में फैमिली लाइफ मिशन के डायरेक्टर हैं और वो फैमिली लाइफ के बारे में आप सबको बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो सामने आएं और अपनी शेयरिंग जो हैं वो करें। आपकी भरपूर तालियों में रेवरेंड फादर हेनरी पॉल। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नहायत ही मोअज़्ज़ज़ फादर अनायत, रेक्टर कैथेड्रल पैरिश। फादर जी के साथ मेरा बहुत दरीना ताल्लुक है, 1992 से लेके। फादर जी जब माइनर सेमिनरी के रेक्टर थे और मैं पहली दफ़ा कैप्चन हाउस से सेमिनरी में पढ़ने के लिए जाता था तो वहाँ फादर जी हमारे उस्ताद थे और अब तक वो हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, हम उनके तजर्बात से मुस्तफीद होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं उनका और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी पास्टर टीम का, कि जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्कद किया ताकि ख़ानदानों को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए। हमारे माशरे में सराहने की और अप्रिशिएट करने का बड़ा फुकदान है और इसकी बड़ी कमी है। जैसे फादर जी भी अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि सॉरी कहना, थैंक यू कहना और अप्रिशिएट करना, सराहना और शाबाश देना, ये वो मुस्बत कदरें हैं जिनको हम समझते तो हैं, वैल्यूएबल हैं, लेकिन हम इनका खुलकर इजहार नहीं कर पाते, ख़ानदानों में एक दूसरे से कह नहीं पाते। लेकिन अगर हम कहें तो ख़ानदानों में बड़ा मुस्बत और ख़ूबसूरत और खुशगवार माहौल पैदा हो सकता है। तकरीबन पिछले 3 साल से बिशप जी ने मुझे फैमिली लाइफ कमीशन के डायरेक्टर होने की खिदमत के लिए मुझे कहा और मैंने अपने साथ अपने पैरिश में कोलकाता पैरिश में बहुत सारे जोड़ों के साथ मिलकर इस खिदमत को शुरू किया। और हमारा जो टारगेट था
कि हम हर पैरिश में जाएं और आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के ना सिर्फ उन पैरिशेस में जाएं जो सिटी में हैं, लाहौर सिटी में हैं, बल्कि आउट ऑफ सिटी भी हम गए, सियालकोट भी गए, हम जो है गुजरांवाला भी गए, और आने वाले दिनों में हम कसूर और नारोवाल और शेखपुरा के अजला में जाएंगे ताकि ख़ानदानी और अजदवाजी ज़िंदगी को और ज़्यादा मजबूती मिल सके और हमारे ख़ानदान और ज़्यादा मजबूत हो सकें। आज आप जिन्होंने अजदवाजी ज़िंदगी के 25 साल मुकम्मल किए हैं, वफादारी के 25 साल, एक दूसरे के साथ वफादार रहने के 25 साल, ये बहुत बड़ी नेमत और बरकत है। वफादारी जो है ये बहुत सारे तकाजे करती है और इसके चैलेंजेस भी बहुत हैं, इसकी डिमांड्स भी बहुत हैं, और सबसे बड़ी डिमांड और चैलेंज वफादारी का है वो कुर्बानी है। कुर्बानी के ज़रिया से ही कोई एक दूसरे के साथ वफादार रह सकता है। कलाम का भी यही तकाजा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो वफादारी जो है वो कुर्बानी मांगती है, और आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, सराहना चाहता हूँ, शाबाश देना चाहता हूँ कि आपने एक दूसरे के साथ 25 साल तक वफादार रहकर इस बात की गवाही दी है कि कलाम की बातें बरहक और सच हैं। ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है जब हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप सबको आपकी सिल्वर जुबली, आपकी ज़ोरदार तालियों में मुबारक कहता हूँ। बहुत सारी बातें मैंने तो लिखी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो मैं दिल में है वो मैं आपसे शेयर करूँ। जब भी मुझे निकाह के सैक्रामेंट की अदायगी का मौका दिया जाता है, आजकल शादियों का सीज़न है और आप भी एक दफ़ा दुल्हा और दुल्हन की हैसियत से गिरजाघर में आए थे, और आपके निकाह के मौके पर भी खुदा के कलाम से तलावत पढ़ी गई थी, शायद याद नहीं है अब, हाँ, लेकिन ज़्यादातर यही तलावत पढ़ी जाती है, पस जिसे खुदा ने जोड़ा है इंसान उसे जुदा ना करे। तो इस एक छोटी सी आयत में बहुत सारे गहरे मायने छुपे हुए हैं कि आप दोनों को 25 साल पहले मिलाने वाली ज़ात और जोड़ने वाली ज़ात और दोनों ख़ानदानों को मुत्तहद करने वाली ज़ात खुदा की ज़ात है। खुदा ने ये मंसूबा और ये इरादा बनाया कि आप दोनों के ख़ानदान इस बात को सोचें, इस बात का इरादा करें कि आप दोनों मियां बीवी की हैसियत से अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार कर खुदावन यस्सु मसीह की गवाही दे सकें। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी पाकमा कैथलिक कलीसिया और तमाम मसीह मोमिनीन की अज़दवाजी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम खुदावन्द यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के ज़रिया से यीशु की गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु के प्यार को एक दूसरे के प्यार के ज़रिया से हम यीशु के प्यार का इजहार करते हैं। यीशु की कुर्बानी, सलीबी कुर्बानी, जब हम एक दूसरे के लिए जो है छोटी छोटी कुर्बानियाँ देते हैं तो हम उस कुर्बानी को अयां करते हैं जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने कोहे कलवर पर सलीबी कुर्बानी देकर हमारी नजात के लिए जो है ये कुर्बानी दी। जब आप ख़ानदानों में कुर्बानी देते हैं तो दर हकीकत में आप खुदा यीशु मसीह की जो है कुर्बानी को और ज़्यादा वसी और गहरे मायने देते हैं। हमारे जो कैथलिक कलीसिया के कवानीन की किताब है, जिसे कैनन लॉ की किताब कहते हैं, जिसमें कलीसियाई कवानीन दर्ज हैं,
उसमें शादी के मुतल्लिक भी कवानीन दर्ज हैं और शादी के मकसद को बड़े खूबसूरत तरीके से कैनन लॉ में कलीसियाई कानून की किताब में बयान किया गया है। दो मकसद रखे गए हैं, हाँ, वहाँ पर अज़दवाजी जिंदगी के, शादी शुदा जिंदगी के, पाक निकाह के, सैक्रमेंट की जिंदगी के दो बुनियादी मकसद रखे गए हैं। पहला है कि वेल बीइंग ऑफ द स्पाउस। क्या मतलब है इसका कि जब मियाँ बीवी अज़दवाजी जिंदगी में पाक सैक्रमेंट हासिल करते हैं तो वो एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, वो एक दूसरे को खुशी देते हैं, वो एक दूसरे को शादमानी देते हैं, वो एक दूसरे के लिए जो है खुशी और इत्मीनान का बायस बनते हैं। और ये सबसे बड़ा इज़्दवाजी जिंदगी पाक निकाह के सैक्रमेंट का मकसद है कि हम एक दूसरे को इज़्दवाजी जिंदगी में खुशी, इत्मीनान, सुकून, आराम और अमन देने के लिए बुलाए गए हैं, वेल बीइंग ऑफ द स्पाउस। और दूसरा मकसद है कि हमारी नस्ल जो है वो आगे बढ़ सके, अफजाइश नस्ल और औलाद का हसूल जो है ये भी अज़दवाजी जिंदगी का मरकज है और मकसद है। लेकिन जो पहला मकसद है ये इससे कहीं बढ़कर है। ऐसे ही है कि कई दफ़ा शादीशुदा जिंदगी में, अज़दवाजी जिंदगी में औलाद नहीं हो पाती है और औलाद बे औलादी जो है ख़ानदानों में होती है, तो क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि फिर अज़दवाजी ज़िंदगी नामुकम्मल है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी पाक निकाह के सैक्रमेंट का अव्वल बुनियादी मकसद खुदा की नज़र में मियाँ बीवी का आपसी ताल्लुक़ है, आपसी प्यार है, आपसी मोहब्बत है, आपसी सुलह सलामती है। और अफजाइश नस्ल औलाद जो है ये सानवी हैसियत रखती है। जब हमारे माशरों में, हमारे खानदानों में और अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने वालों में ये बात समझ आ जाती है तो फिर वो आपसी ताल्लुकात में और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और अगर किसी वजह से औलाद नहीं भी हो पाती तो भी वो खुशी में रहते हैं, तो भी वो शादमानी में रहते हैं, तो भी वो खुदा के नाम को जलाल देते हैं, तो भी वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी में बुलाए जाने का मकसद खुदा के नाम को जलाल देना और एक दूसरे को खुशी और खुर्मी अता करना है। मैं बात कर रहा था कि जब भी पाक निकाह के सैक्रमेंट की अदायगी होती है तो मैं एक ख़ास तलावत अंजीले मुकद्दस से पढ़ता हूँ जोड़े के लिए, और मैं आज उस तलावत की बरकत आपकी ज़िंदगी में देखता हूँ जिन्होंने 25 साल तक एक दूसरे के साथ वफादार रहकर इस तलावत और इस कलाम की बात को सच करके दिखाया है। तलावत मत्ती की इंजील 7वें बाब से है कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे कलाम की इन बातों को सुनता और उन पर अमल करता है वो किस शख्स की मानिंद है? भला वो अकलमंद शख्स की मानिंद है। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अकलमंद शख्स जब अपना घर बनाता है तो उसकी बुनियाद कहाँ पर रखता है? चट्टान पर रखता है। लिखा है, सैलाब आया, मी बरसा, आंधियां चली, उस घर से टकराए, लेकिन वो घर ना गिरा। क्यों ना गिरा? क्योंकि उसकी बुनियाद कहां पर रखी गई थी? चट्टान पर रखी गई थी, जिसे यीशु मसीह ने अपना कलाम कहा है। तो आपने 25 साल पहले अपनी अज़दवाजी जिंदगी, अपनी खानदानी जिंदगी की बुनियाद यीशु के कलाम पर रखी जो चट्टान की मानिंद मजबूत है। पता नहीं आपको पता है जिंदगी में इन 25 सालों में कितनी आंधियां आईं, कितने तूफान आए, कितने मी बरसे और कितने सैलाब आए और कितने चैलेंजेस आए, इस घर से टकराए, इस अज़दवाजी जिंदगी से टकराए, आपके ताल्लुकात से टकराए, लेकिन आपका घर, आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता अस्तवार रहा, मजबूत रहा। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि आपने अपनी अज़दवाजी जिंदगी के ताल्लुक और बंधन की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह के
کلام پر رکھی جو چٹان کی مانند مضبوط ہے اور اسی وجہ سے آج آپ اپنی ازدواجی زندگی کی 25 سالہ جبلی منا رہے ہیں، شادمان ہو رہے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ چند اور باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی، جب ہم کبھی پروگرامز کرتے ہیں خاندانی زندگی کے متعلق، تو ہمارا جو نقطۂ آغاز ہوتا ہے وہ انسانی وجود کی الہیات سے ہوتا ہے کہ انسان کو بنانے میں خدا کا مقصد کیا ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے، اور خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانی وجود کی الہیات جو ہے ان سارے سوالات کو اور ان سارے نکات کو بیان کرتی ہے۔ لیکن مختصر طور پر میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ خدا کا چہرہ اس دنیا پر ظاہر ہو جائے، خدا کا چہرہ، اس کی جو صورت ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے تو خدا نے انسان کو نر اور ناری کس کی صورت پر پیدا کیا؟ اپنی ہی صورت پر پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صورت جو ہے وہ کوئی مخصوص جینڈر کی صورت نہیں ہے، بلکہ خدا کی صورت میں انسان نر بھی ہے اور انسان ناری بھی ہے۔ خدا کی صورت میں یہ دونوں جینڈر موجود ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے۔ تو جو مرد ہے وہ بھی خدا کی صورت پر ہے، اور عورت جو ہے وہ بھی خدا کی صورت پر ہے، خاوند جو ہے وہ بھی خدا کی صورت پر ہے، اور بیوی جو ہے وہ بھی خدا کی صورت پر ہے۔ اور یہ ایک گہرا بھید ہے اور یہ ایک گہری بات ہے جس کو ہم اگر سمجھیں تو ہماری ازدواجی زندگی میں بڑی بڑی جو ہے جو بڑا سکون آ سکتا ہے۔ اور اگر کبھی کبھی ہم ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، تو جب ہمیں اگر یاد آ جائے کہ بھئی میں جس کو گالی دے رہا ہوں یہ تو خدا کی صورت پر ہے، تو یہ تو خدا کو گالی دینے کی مترادف بات ہوئی، ایک ہی بات ہوئی، تو پھر ہم ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے گالی گلوچ سے کنارہ کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے سے کنارہ کریں گے، ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے کنارہ کریں گے۔ اگر یہ بات دل میں ہمیشہ رہے کہ میری بیوی خدا کی صورت پر ہے، میرا خاوند خدا کی صورت پر ہے، تو ہم ایک دوسرے کو ویسی ہی عزت دیں گے، ویسا ہی پیار دیں گے جیسی عزت اور جیسا پیار ہم خدا کو دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنا پیار انسانوں کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر کیا ہے، کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ آج جو تلاوت پڑھی گئی تھی اس میں بہت خوبصورت پیغام دیا گیا ہے، اور پلوس رسول بڑے سادہ، صاف اور واضح الفاظ میں ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کے تعلقات کو بیان کرتا ہے، اور اس تعلقات کی بنیاد وہ کہاں پر رکھتا ہے، اس تعلقات کو وہ علامت کس طرح سے دیتا ہے، اور اس تعلقات کو کس بڑی شخصیت اور بڑی ہستی اور دنیا کی خالق کرنے والی ہستی کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے یسوع اور کلیسیا کا رشتہ ہے، یسوع اور کلیسیا کا رشتہ، کہ یسوع کلیسیا کو پیار کرتا ہے اور کلیسیا یسوع کے تابع رہتی ہے۔ تو میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ ایسے ہی ہے جیسے یسوع اور کلیسیا کا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یسوع نے کلیسیا سے کتنا پیار کیا ہے، اور خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا
कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कि ये प्यार की इंतहा है, यस्सु के प्यार की इंतहा है, जो उसने अपनी कलीसिया, अपनी बीवी कलीसिया के लिए दिए। बाइबल मुकद्दस में खुदा को मुख्तलिफ अलामतों और निशानों के ज़रिया से जाहिर किया गया, कभी खुदा खालिक है और कभी खुदा दोस्त है, कभी खुदा बाप है, और खुदा के एक खूबसूरत रिश्ते को इर्मिया और इशाया और होजिया और नए ऐदनामे में खुदा यस्सु मसीह ने भी और पलूस रसूल ने भी एक खूबसूरत अलामत के जरिया से पेश किया है, और वो अलामत अज़दवाजी जिंदगी है, खानदानी जिंदगी है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, कि जिस तरह मियाँ बीवी का ताल्लुक को इंसान समझता है, अच्छी तरह समझता है। और खुदा के कलाम में नबियों ने खुदा और इंसान के ताल्लुक को इस रिश्ते में बयान किया है, ताकि इंसान जो है वो समझ जाए कि मियाँ बीवी का ताल्लुक क्या है और खुदा और इंसान का ताल्लुक क्या है। इसीलिए खुदा यस्सु मसीह कलीसिया का दुल्हा है, और कलीसिया जो है यस्सु की दुल्हन है, जिसे पौलुस रसूल ने बड़े मुफस्सल तरीके से, बड़े गहरे तरीके से बयान किया है। और आप जिन्होंने जिंदगी अज़दवाजी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे हैं, आपने भी इस बात की गवाही दी है कि आपने भी अपने खावंद में खुदावंद यस्सु मसीह की शबी को देखा है, आपने अपने खावंद में खुदावंद यस्सु मसीह जो कलीसिया का सरदार है, कलीसिया का सर है, कलीसिया का रहनुमा है, आपने अपने खावंद में यस्सु को देखा है, और आपके खावंद ने आप में कलीसिया को देखा है, जिससे यस्सु बहुत प्यार करता है और प्यार करते करते अपनी जान तक निछावर कर देता है। मैं एक आखिर पर एक मर्तबा फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मुबारकबाद के हकदार हैं। वफादारी निभाना ये कठिन और मुश्किल मरहला है, किसी के साथ वफादार रहना। और आपने आपको याद होगा, जब आपने निकाह किया था तो काहिन या बाबूजी जो भी निकाह की इबादत करवा रहे थे, वो आपसे पूछ रहे थे कि आप खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि ज़िंदगी की हर हालत में इसके वफादार रहेंगे, इसकी वफादार रहेंगी। तो आपने क्या कहा था? जी हाँ, मैं वफादार रहूँगा, जी हाँ मैं वफादार रहूँगी। तो आपने उन वादों को आज सच करके दिखाया है, उन वादों को निभाया है, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि ये वफादारी 25 साल तक नहीं, बल्कि आने वाली ज़िंदगी के 40 साल तक, 50 साल तक, और शायद मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा करे, ये वफादारी हमेशा कायम रहे। खुदा आपको हमेशा अपनी नेमतों और बरकतों से नवाजता रहे, मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन। मेरा ख्याल है कि जितनी खूबसूरती से फादर जी ने अपनी शेयरिंग की है, तालियां बहुत कम थी। ज़रा भरपूर तालियों से फादर जी का शुक्रिया अदा करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम अज़दवाजी ज़िंदगी के ख़ानदानों के 25 साल जो हैं वो मना रहे हैं, और इसको हम सिल्वर जुबली के नाम से भी पुकारते हैं। पावर एंड मनी आर फ्रूट्स ऑफ लाइफ, बट फैमिली एंड फ्रेंड्स आर रूट्स ऑफ लाइफ। वी कैन मैनेज विथआउट फ्रूट्स, बट वी कैन नेवर स्टैंड विथआउट रूट्स। अभी मैं आप ही की भरपूर तालियों में दावत देती हूँ मिसेस इमैनुअल परवेज को, कि वो आएं और अपनी 25 साल का तजर्बा जो है वो आपसे शेयर करें। आप ही की भरपूर तालियों में। गुड इवनिंग। मेरे से पहले जो मुकर्रर थे, वो मुकर्रर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बातें की हैं कि अब मैं सोच रही हूँ कि उतनी अच्छी बातें मैं भी कर पाऊँगी या नहीं। रेवरेंड फादर अनायत बर्नर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उनकी पास्टरल टीम का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जो
خیالات ہیں اور اپنے تجربات جو ہیں وہ آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس بات کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب نے اپنی شادی کے 25 سال جو ہیں ان کو پورا کیا ہے اور وفاداری کے ساتھ پورا کیا ہے. جس بات پر فادر صاحب نے جو کہ پریسٹ ہیں اور انہوں نے اس چیز کو کہنا طور پر دیکھا اور بتایا اور ہم سب کو سمجھایا کہ وفاداری جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے اس ساری ازدواجی زندگی میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس ان وفاداری کے سالوں میں جو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے خوشی کے ساتھ, کبھی اس میں کچھ تھوڑی بہت تکلیفیں بھی آئیں مشکلیں بھی آئیں, لیکن پھر بھی آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا, تو میں اس ساری وفاداری کے لیے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. اور میری خواہش ہوگی, مجھے اچھا لگے گا کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کے آپ خود بھی مبارکباد دیں اس بات کے لیے. آج جو تلاوت پڑھی گئی ہے افسیوں کی کتاب سے, اس میں جو آیت ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو, یہ نہیں کہا گیا کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے اوپر حاکم بن جاؤ. ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا, بلکہ اپنے شوہروں کے تابع رہنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. جب شادی ہوتی ہے کسی بھی لڑکی کی 20-22 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں, تو تب شاید ہمارے خیالات کچھ فرق ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں کچھ اور تصور ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایک خاندان میں شامل ہوتی ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بہت سارے جو ہیں رشتے وہ نبھانے ہیں. میں اپنی زندگی کے جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں اکثر اپنے بچوں کو بھی جب کوئی بات سمجھاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو مثال جو ہے وہ میں دوسروں تیسروں کی نہیں دوں گی, میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو جب میری بھی شادی ہوئی, میرے ماں باپ دونوں جاب کرنے والے تھے اور ہم اپنے فیملی سے بہت دور دور رہے. سرگودا پہ میرا بچپن گزرا, پھر ہم تربیلا ڈیم پروجیکٹ تھا, میرے فادر چونکہ واپڈا میں آفیسر تھے تو ہم پھر وہاں پہ شفٹ کر گئے, کیونکہ میری مدر کی بھی ٹرانسفر ہو گئی تھی. تو ہم اپنی فیملی سے دور رہے. جب میری شادی ہوئی تو وہاں پر تو بہت سارے لوگ تھے, صرف ہسبینڈ نہیں تھے, ان کے ساتھ ماں باپ بھی تھے, اور پھر صرف ان کے اپنے ماں باپ نہیں تھے, ان کی چاچیاں, ان کی پھوپھیاں, ان کی دادی اور بہت سارے رشتے تھے جن کے ساتھ میں نے رہنا تھا. اور جبکہ مجھے عادت تھی آئسولیٹڈ لائف کی, کہ ہم دور دور چونکہ رہے تو ہم فیملی سے دور رہے تو ہمیں اتنی عادت نہیں تھی گھلنے ملنے کی, اور چونکہ دور تھے تو کوئی فیملی والے اتنے ملنے کے لیے آتے بھی نہیں تھے. اتنا لمبا لاہور سے تربیلا کا سفر جو ہے تقریباً 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں, تو بہت کم ہی کوئی ملنے کے لیے آتے تھے. تو چرچ چونکہ جاتے تھے تو جو چرچ میں فیملیز تھیں ان کے ساتھ جو ایسوسیشن تھی تو وہ جسٹ اتنا تھا کہ کوئی آیا اور چائے شائے پی, اور وہ بھی پیرنٹس نے دیکھا ہم بس پڑھ رہے ہیں اپنے رومز میں ہیں, اور انہوں نے ان کو فارغ کر دیا ہے جو بھی ان کو انٹرٹین کیا. شادی ہوئی اور اب اتنے سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا, تو یہ اب میرے لیے ایک بڑا ایک مشکل کام تھا. لیکن اس سارے مشکل کام میں پرویز صاحب نے بڑی میری ہیلپ کی کہ وہ اچھے ساتھی ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے ہم دونوں نے مل کر اس زندگی کو کے سفر کو شروع کرنا ہے. سب سے پہلے جو ان کی سب بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے شادی کے فوراً بعد چرچ مجھے لے کے جانا شروع کیا, کیونکہ وہ خود بھی ان کی ایک عادت تھی کہ ہر اتوار انہوں نے چرچ ضرور جانا ہے. تو جب ہم چرچ جاتے تھے, سینٹ اینتھنیز چرچ جاتے تھے, مرحوم بشپ اینڈریو فرانسس جو تھے اس وقت وہ فادر تھے, اور وہ ریگولر ہمیں دیکھتے تھے اور ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ ریگولر چرچ کے ممبر ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے جب خداوند نے برکت دی اور بچوں کو بھی ہم اپنے ساتھ جو ہے چرچ لے کر جاتے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو خداوند سے برکت پانے کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے خدا کے نزدیک ہونا جو ہے وہ ضروری بات ہے, کہ انسان خدا سے نزدیک ہو تاکہ اسے نعمتیں اور برکتیں پا سکے. اور جیسا میں نے کہا کہ میرے لیے اتنے سارے لوگوں میں رہنا ایک مشکل کام تھا,
اور اگر خداوند سے وہ مجھے ہمت اور طاقت نہ ملتی، وہ سمجھ وہ عقل نہ ملتی، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اتنے سارے فیملی کو جو ہے وہ انٹرٹین کر سکتی، ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنا سکتی۔ تو خدا نے مجھے یہ عقل اور سمجھ دی، اور خداوند کا شکر ہے کہ سب ہی جو میری چچی ساسیں اور تائی ساس اور پھپھو ساس سب جو تھے، اور دیورانیاں اور جٹھانیاں، دیورانی تو کم ہیں کیونکہ پرویز صاحب اپنے کزنز میں چھوٹے ہیں، باقی سب ان سے بڑے ہیں، ایک دو کزنز ان کے چھوٹے ہیں، باقی سب جٹھانیاں ہیں میری۔ تو اتنا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ، جو میری جٹھانیاں اکثر مجھے میرے نام سے نہیں بلکہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی ہیں، بیٹا کہہ کے بلاتی ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں ان کی عزت کرتی ہوں، میں ان سے پیار کرتی ہوں، اس لیے وہ بھی مجھے پیار کرتی ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ مجھے پیار سے بلاتی ہیں۔ اور ان کے کزنز جو باہر بھی چلے گئے ہیں وہ بھی فون کریں، اور اسپیشلی وہ یاد رکھتے ہیں، فون کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور وہ بھی بیٹا کہہ کے جو ہے اکثر مجھے مخاطب کرتے ہیں۔ اور اتنی دور بیٹھ کے، اور خاص موقع پر، برتھ ڈیز ہیں، بچوں کے پاس ہونے کے موقع پر ہے، تو وہ فون کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں انسان اتنی دور بیٹھ کے آپ کو یاد رکھے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ساری زندگی کے وہ تعلقات ہیں، وہ مشکلات بھی ہیں جن میں سے گزر کر انسان اپنے تعلقات کو اتنا مضبوط بنا پاتا ہے۔ تو جو اس میں میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ سب سے پہلے جو پاک کلام میں ہے کہ لو یور وائفس، تو ہسبینڈس کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو پیار کریں، اپنی بیویوں سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے اوپر ہم ایک خوفناک سا دہشت سی نہ پھیلا کے رکھیں کہ وہ کہ اب ہسبینڈ نال کے آنے کا ٹائم ہو گیا، بس اب میں سیریس سی شکل بنا کے تو بیٹھ جاؤں اور سیریس سے میں نے رہنا نہیں، بلکہ اپنی بیویوں کو پیار کریں، کیونکہ یہ پاک کلام کا فیصلہ ہے کہ اپنی بیویوں کو پیار کریں۔ تو جو فادر ریورنڈ فادر عنایت نے بھی کہا کہ اگر آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ تیار ہوئے ہیں، جیسے آج کا بھی دن ہے، تیار ہوئے ہیں، تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہاں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو اچھے ورڈس جو ہیں وہ سننے میں ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، یہ باتیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں، یہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پرویز صاحب جو ہے، جب صبح میں ان کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، تو وہ ہر روز ان کی عادت ہے کہ وہ مجھے کچن میں آ کے تھینک یو کہتے ہیں کہ تھینک یو آپ نے مجھے ناشتہ دیا۔ حالانکہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے ان کو کھانا ناشتہ دینا ہے، کھانا دینا ہے، ہر روز وہ آ کے مجھے تھینک یو کہتے ہیں کہ تھینک یو آپ نے مجھے ناشتہ کروایا۔ تو میں بھی پھر ان کا تھینک یو کرتی ہوں کہ تھینک یو آپ نے ناشتہ کیا ہے، کہ آپ نے تھینک یو آپ کرتے ہیں آپ نے ناشتہ کیا ہے، میری تو ڈیوٹی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، مجھے پھر بھی تھینک یو تو کہنا چاہیے آپ کو۔ میں نے کہا چلیں، پھر مجھے بھی تھینک یو کہنا چاہیے کہ آپ نے جو کچھ میں نے بنا کے آپ کے آگے رکھا ہے، آپ نے خوشی سے اس کو قبول کیا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے باتیں ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں، میاں اور ہسبینڈ جو ہے اور وائف، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو جو ہے ان کی عزت کریں۔ اور کبھی کبھار آئی لو یو کہنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، ہم نے اپنے ہسبینڈ کو کہنا ہے یا ہسبینڈ نے وائف کو کہنا ہے، تو آئی لو یو کہنا جو ہے وہ بہت بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اچھے لفظ ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں سننے میں۔ تو جو فادر جی نے بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، تو ہم اچھے الفاظ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے آپ سے پیار ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، یا آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ کسی وقت وہ تیار ہوئے، آج پرویز صاحب نے کٹنگ کرائی تھی، میں نے کہا آج تو آپ بڑے منڈے سے لگ رہے ہیں۔ کیونکہ میں کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ کٹنگ کروا رہے، تو ان کو ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، تو آج جب کروا کے میں نے کہا ہاں ویری گڈ، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے آپ منڈے سے لگ رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھے، تو بیٹی بھی ہے، اس نے بھی کہا واہ پاپا آپ تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو جب ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے الفاظ کہیں گے، اور بچے بھی وہ چیز دیکھیں گے، تو وہ سیکھیں گے کہ انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو پیار بھی کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرنی ہے۔ اور لو یو کہنے کے ساتھ کبھی کبھار ہم ایک دوسرے کو ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، کبھی بچوں کے سامنے بھی یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ویری ایکسٹینٹ پہ جا کے ہم پیار کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، لیکن لمٹس پہ رہ کے ہم جو ہے بچوں، تاکہ بچوں کو جو ہے پتہ چلے کہ ماں باپ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اکثر کبھی جب ان کے پاپا بیڈ روم میں چلے جائیں اور میں باہر ہی کام کر رہی ہوں، تو یہ مجھے کہیں گے پاپا کھیلیں، آپ بیڈ روم میں چلے جاؤ، کام ختم کر دو۔
अब अपने काम ख़त्म कर दो और आप अंदर चले जाओ, क्योंकि पापा अपना फ़ोन देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और वो अकेले हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, तो आपको अंदर जाना चाहिए, आपको पापा को कंपनी देनी चाहिए। तो मैं फिर अपने काम ख़त्म कर देती हूँ कि हाँ वाकई मुझे अब उनको टाइम देना चाहिए। घर के काम तो आप सबको पता है, वो तो ख़त्म ही नहीं होने में आते। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं जिनसे हम एक दूसरे के लिए केयर और मोहब्बत जो है वो शो करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये हमारे ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। फादर साहब ने पोप साहब के जो तीन अल्फाज हैं उनको जो कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है और हम एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, वही बात जो मैंने पहले कहा कि अच्छे अल्फाज अच्छे लगते हैं, गलती हो जाती है, हस्बैंड से भी हो जाती है, कोई ऐसी बात कह देते हैं जो वो शायद नहीं कहना चाहते लेकिन किसी वक्त वो गुस्से में थे, गुस्सा में भी वो किसी और पे हो, लेकिन बीवी चूंकि वो सबसे आसान शख्सियत है जिस पे गुस्सा निकाला जा सकता है, तो इसलिए वो गुस्सा शायद किसी और पे था और उस गुस्से में बीवी ने शायद कुछ सॉफ्ट ही बात की, लेकिन मियाँ साहब को ज़रा कुछ थोड़ा बुरा लग गया और उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज कह दिए। जब एहसास हो तो फ़ौरन कहना चाहिए कि नहीं यार, तब मेरा मूड शायद ठीक नहीं था, मुझे आपके साथ ऐसी लैंग्वेज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। तो इसको ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं। और हम बीवियाँ भी अगर एक अपनी कोई गलती किसी वक्त हमसे गलती हो जाती है, मैंने परवेज साहब को हमेशा जब उनका नाम लेना है तो मैं हमेशा उनको परवेज साहब कहती हूँ, और परवेज साहब कभी भी, मैं आप सबके सामने इस बात को बताना भी चाहती हूँ और एतराफ़ भी करना चाहती हूँ कि वो मुझे हमेशा जब हम दोनों अकेले भी होते हैं वो हमेशा मुझे आप कहकर बुलाते हैं, उन्होंने कभी भी मुझे तू या तुम नहीं कहा। अला मैं उनकी बीवी हूँ, वो मुझे कह भी सकते हैं लेकिन वो हमेशा मुझे आप कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। और जब खुदा ने अपनी सूरत पर हमें बनाया है तो अगर वो मेरी इज्जत करते हैं मुझे प्यार करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे अपने खुदा से प्यार ना हो। मुझे भी अपने मजाजी खुदा से ऐसा ही प्यार है और मैं उनकी बेहद इज्जत करती हूँ और बेहद प्यार भी करती हूँ। और अक्सर मैं कहती हूँ बच्चों के बगैर जो है अगर ये अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाएं तो मैं रह लूँगी, लेकिन ना आपके पापा के बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। अक्सर माएँ कहेंगी हाँ तुम्हारे बाप ने जहाँ जाना है चला जाए, तुम लोग ठीक है, तुम लोग मेरे पास रहो, बाप की खैर है, वो चले भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक इस कदर मजबूत है और इतना गहरा है और हमारी शादी को इस दिसंबर में 28 साल हो जाएंगे, तो मेरे लिए परवेज साहब मेरी ज़िंदगी में उनकी बेहद अहमियत है। मैं बाय बर्थ जो है वो कैथलिक नहीं हूँ, लेकिन मैं कैथलिक अब हूँ शादी के बाद। क्यों? क्योंकि परवेज साहब बहुत अच्छे कैथलिक क्रिश्चियन हैं, उनकी बहुत अच्छी कैथलिक जो है वो लाइफ है, वो चर्च के लिए बेशुमार जो है वो काम करना पसंद करते हैं, वो जितने भी कैथलिक स्कूल्स हैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं, बथानिया हॉस्पिटल सियालकोट के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं, फिर सेरा क्लब इंटरनेशनल जो कि प्रीस्टली वोकेशन के लिए काम करते हैं कि लोग अपने बच्चों को फादर बनने के लिए पेश करें, उनके लिए काम करते हैं। तो कभी कभार हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, आप आते नहीं हो, आप आते नहीं हो, आप टाइम नहीं देते हो, जब आपको फ़ोन करें तो आप आते नहीं हो। मैं परवेज साहब के अलावा मेरे लिए सफ़र करना मुश्किल है, आना जाना कुछ उनको भी यकीन नहीं है कि शायद मैं गुमना हो जाऊं। तो मैंने कहीं भी जाना है तो परवेज साहब के साथ ही जाना है, तो या फिर बड़ा वाला जो बेटा है उसके साथ जाऊंगी। तो वो भी अक्सर शिकायत करते हैं कि आप टाइम नहीं देते हैं, लेकिन ये देखें अगर मैं इनको इनके राह में रुकावट बनती रहूँगी और मैं इनको साथ नाराज़ होंगी और क्या आप अपना टाइम जो है वो इधर अपनी मीटिंग्स पे जो है वो सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे फादर साहबान के साथ इनकी मीटिंग्स रहती हैं और मैं इनको ये सुनाती रहूँ आज तो नमक ख़त्म हो गया, आज तो चीनी भी नहीं है, तो नमक और चीनी के कामों में डाले रखूँगी तो इस तरह के काम ये कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए अपने साथी के ऊपर यकीन भी रखना चाहिए, उसका साथ भी देना चाहिए। अगर मैं साथ नहीं दूँगी, हर वक्त मैं लड़ती झगड़ती रहूँगी तो वो कहेंगे कि मैं ये सारे काम छोड़ देता हूँ। बड़ी देर से उनकी ये ख्वाहिश थी, बड़े सालों से वो कहा करते थे जब हमारी शादी को भी चंद साल हुए कि मैं चर्च की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन बच्चे चूँकि छोटे थे और हमारे लिए मुमकिन नहीं था, उनकी स्टडीज़ जो थी वो पहले नंबर पर थी, इसलिए हम तब ये नहीं कर पाए। लेकिन अब चूँकि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, सबसे ये छोटा बेटा है जो अब फर्स्ट ईयर में है, तो और बड़े दोनों बच्चे जो हैं उनका लास्ट सेमेस्टर है अपना मास्टर्स का,
तो अब इतने ये बड़े हो गए हैं, अब हम हिम्मत कर सकते हैं कि हम इनको छोड़ के घर से और दूसरे और काम कर सकते हैं, वरना कहीं भी कोई मीटिंग है, कोई भी काम है, वो परवेज साहब अकेले ही जाते थे। और मैंने कभी भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा और खफगी और नाराज़गी नहीं की कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, बच्चों को टाइम नहीं दिया और आप अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं तो हमारा भी टाइम है। तो अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूँ तो वो सब कुछ छोड़ के तो फिर वो सिर्फ घर के ही काम करेंगे, दालें और नमक मिर्च लाते रहेंगे, तो जो कि फिर मुझे भी शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि जो आमतौर पे कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो वाकई औरत अगर अपने साथी का साथ दे तो वो बड़े ही एहसन तरीके से अपनी ड्यूटीज़ भी निभाते रहेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ भी मिलते रहेंगे और अपनी अगर और भी कोई अगर उनकी चर्च एक्टिविटीज़ हैं, जैसे परवेज साहब को पसंद है कि चर्च की खिदमत करना, तो हम अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे अपने साथियों की तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हम बीवियों ने अपने साथियों का साथ देना है ताकि वो नेमतें, वो बरकतें जो खुदावंद हमें देना चाहता है वो हम उससे हासिल कर लें। और ये चर्च की खिदमत, चर्च आना और फिर बच्चों को भी लेकर आना, ये वो बातें हैं जिससे कि इंसान नेमतें और बरकतें पाता है। शुरू से ही ऐसा नहीं था। जब मेरी शादी हुई है तो बहुत बड़ा घर नहीं था, और फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे। अब वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये एक दिन में दो दिन में नहीं हो गया, 28 साल लगे हैं इस सारी काम में, इस सारी मेहनत में। लड़कियों की शादियाँ होती हैं तो वो पहले दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही चाहती हैं कि उनकी बादशाहत शुरू हो जाए, माँ की हुकूमत ख़त्म हो जाए और बादशाहत का टाइटल उनके सर पर सज जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक अपने साथी के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ के खिदमत नहीं करेंगे, उनको प्यार नहीं करेंगे, उनके बहन भाइयों की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और इसके साथ साथ शक करना, जिसके लिए फादर साहब ने भी बात किया कि कहीं खड़े हैं और आपने शक करना शुरू कर दिया, हाय ये कोई चक्कर ही चल रहा हूँ मैं, तो इस तरह की सोच जो है। परवेज साहब ऑफिस में चूँकि काम करते हैं इनके साथ मुख्तलिफ वक्तों में, और स्पेशली उस वक्त में जब ये बहुत यंग थे, मुंडे तो ये आज लग रहे हैं ना जब ये वाकई मुंडे थे तो इनके साथ बहुत सारी फीमेल्स काम करती थी, लेकिन मैंने इन पर कभी भी किसी किस्म का शक नहीं किया कि शायद इनकी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट है या कोई ऐसी बात है, क्योंकि वो खुद भी पर्सनली भी वो ऐसे नहीं है। कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता, और स्पेशली हम क्रिश्चियंस जो हैं, जब खुदा ने हमें बरकत दी है, शादी हुई और सैक्रामेंट ये हमें मिला कि निकाह के सैक्रामेंट के ज़रिए खुदा ने हमें औरत दी बीवी के रूप में, तो फिर क्रिश्चियन मर्द कम ही होते हैं जो कि इधर उधर जो है वो नज़रें फेरते हैं, इधर उधर दौड़ाते हैं। तो अपने साथी पर शक ना करें, क्योंकि अगर हम शक करेंगे तो फिर उसने सोचना अच्छा चलो शक तो कर ही रही है, कुछ थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, तो फिर हम खुद मौका देते हैं इन सब बातों का। तो अगर हम यकीन रखें और अपने हस्बैंड पर एतमाद रखें कि नहीं ऐसा ही है, कई दफ़ा परवेज साहब की मीटिंग होती है, जब उन्होंने कहीं जाना हो तो मुझे कहेंगे आज मैं लेट आऊँगा, मेरी आज मीटिंग है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो पहले से शेड्यूल्ड होती हैं, वो मुझे सुबह ही बता कर जाते हैं कि आज मैं लेट हूँगा और मैं लेट आऊँगा। किसी वक्त जो है वो रैंडमली अचानक से भी कोई मीटिंग जो है वो आ जाती है, फिर वो मुझे ऑफिस ही फ़ोन करके बताएंगे कि आज मैं लेट आऊँगा। तो मुझे यकीन होता है कि जहाँ वो बता रहे हैं तो वहीं पर वो होंगे और कहीं नहीं होंगे। तो ये एतमाद, ये यकीन अपने हस्बैंड पर हम सबको होना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो वाकई सच है, वो झूठ नहीं बोल रहे हमारे साथ, वो सही कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि ये चूँकि इनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं, कुछ और भी काम हो सकते हैं, आप जो यहाँ पे मेरे भाई बैठे हुए हैं कुछ और मसरूफियात भी हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बीवियाँ सोचना शुरू हो जाएं कि शायद किसी लड़की के साथ ही बैठा हुआ है, वो बेचारा शायद मेहनत कर रहा हो, चलो बच्चों के लिए मैं इस महीने कोई दो फ्रॉकें ही खरीद लूँगा, मेहनत करूँगा, तो और बीवी सोच रही हो शायद किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हो। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हम अपने जहन से निकालेंगे और पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे, तो जब हम वफादारी के साथ चलेंगे तो ज़रूर ज़रूर हमारा साथी भी हमारे साथ वफादारी के साथ चलेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप वफादारी करें और साथी आपके साथ वफादारी ना करें। बेवफाइयाँ तभी होती हैं जब एक साइड से शुरू होती हैं, फिर दूसरी साइड को भी हिम्मत होती है कि चलो वो भी कर रहा है मैं भी कर लूँगा या कर लूँगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, और फैमिलीज़ इस तरह से फिर टूट जाती हैं और बिखर जाती हैं। तो इसलिए कलाम को पढ़ना,
चर्च जाना, अपने बच्चों को अपने साथ चर्च लेकर जाना, ये वो नेमतें और इनसे वो नेमतें और बरकतें पाते हैं जो हमारी सोच और हमारी अकल से भी बढ़कर है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो हमें खुदा जो है वो बरकत देता है। और अपनी आदत बनाएं कि जब चर्च आना है तो इकट्ठे चर्च आएँ, और जब दुआएं शुरू होती हैं उस वक्त हम जो है वो चर्च में मौजूद हों, ताकि वो दुआएं जो सुबह की दुआएं पढ़ी जाती हैं उन दुआओं की बरकत हमें, हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदान को मिले। फिर जब पाक पानी छिड़का जाता है, फादर साहब जब एंटर होते हैं और पाक पानी छिड़कते हैं, वो बेहद ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि वो बरकत दी जाती है और वो तमाम गुनाह और माफिया गलतियाँ जो हमने गुज़श्ता दिनों में किए होते हैं, वो गलतियाँ और गुनाह उस पाक पानी के ज़रिए से हमारे ऊपर से धुल जाती हैं। इसलिए वो पाक पानी अपने ऊपर हासिल करना जो है बेहद ज़रूरी है। कोई भी फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, हम सबको एक वो खलबली सी पड़ी होती है, बेचैनी सी कि हमने टाइम पे पहुँचना है, टाइम पे पहुँच ले, लेकिन जब चर्च जाने की बात है, अच्छा चलो 10 मिनट लेट भी हो जाएंगे, चलो कोई नहीं, जब फादर साहब लेक्चर दे रहे होंगे फिर पहुँच जाएंगे, नहीं, जब फादर साहब ने एंटर होना है उससे पहले हम मौजूद हों, ताकि हम वो नेमतें, वो बरकतें हासिल कर सकें जो उन्होंने पाक पानी की सूरत में जो है हमें देनी है। और उसके बाद वो दुआ, वो नमाज, कि मैं आप सबके साथ से ये इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मिलकर मेरे लिए दुआ करें। ये वो दुआ है जो कि सारा चर्च, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे। हर एक शख्स जो है वो मेरे लिए, मैं यही सोचती हूँ कि हर एक शख्स जो है वो मेरे लिए ये दुआ कर रहा है, तो कैसे नहीं होगा कि जब इतने सारे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो खुदावंद दुआ को ना सुने। ये कैसे मुमकिन है कि जब इतने सारे लोग कर रहे हैं दुआ, तो वो दुआएं, वो नमाजें, वो बेहद ज़रूरी हैं। इसलिए वक्त पर खुदा के करीब होना और जाना जो है वो बेहद ज़रूरी है। अभी पहली बेल होती है जब हम चर्च में जो है वो एंटर हो जाते हैं, शायद कभी हो कि बेल हो के ख़त्म हो जाए तो हम एंटर हों चर्च में, वरना पहली बेल पे हम पहुंच जाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम वक्त पर उठें, और बच्चों को डांट कर भी, गुस्सा करके भी टाइम से उठाना पड़े तो हम उनको गुस्सा करके और टाइम से उठाते हैं। और इकट्ठे एक ही पाकमास में सब ने जाना है, एक ही पाकमास सब ने अटेंड करनी है, क्योंकि ख़ानदानी तौर पर जो बरकत खुदावंद ने देनी है वो फिर उस बरकत से हम रह जाएंगे। ख़ानदान की अगर बरकत ना होती तो पाक ख़ानदान का नमूना हमारी ज़िंदगियों में कभी भी ना होता। पाक ख़ानदान को बरकत हम सब के लिए इसलिए नमूना का बायस बनाया गया कि हम सब ये समझें कि ख़ानदान जो है उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या ज़रूरत है, तब हम इस चीज़ को समझेंगे, और जब इस चीज़ को समझ के हम अपनी ज़िंदगियों में अपनाएंगे तो खुदावंद जो है वो हमें ज़रूर बरकत देगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद मेहरबान है, वो रहीम है, वो शफकत में गनी है, वो कहर करने में धीमा है, वो हमारी गलतियाँ, हमारी कुताहियाँ हमें माफ़ करता है और हमें नेमतों और बरकतों से नवाजता है। आज जो नेमतें, आज जो बरकतें खुदावंद ने दी हैं उसके पीछे मेरी बहुत सारी कोशिश, बहुत सारी मेहनत, और मेरे से ज़्यादा शायद मेरे हस्बैंड की मेहनत और कोशिश शामिल है। और जब दोनों मियाँ बीवी मिलकर एक कोशिश करते हैं, नेक नियति के साथ कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए और उनका अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो खुदावंद बरकत देता है। खुदावंद कभी भी हमें नहीं अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वादा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है, वो हमें उन बरकतों और नेमतों से नवाजता है। और आज उसने नेमतों और बरकतों से नवाजा है, ये उसकी मेहरबानी है। और हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदावंद ने इस काबिल किया और ये नेमतें और बरकतें जो हैं ये दीं। और इसके लिए हम सब ख़वातीन को पहले कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि पाक कलाम ने क्या कहा कि ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो। ये सारी नेमतें और बरकतें हमें तब मिलेंगी जब हम अपने हस्बैंड्स के ताबे रहेंगी। तो हम अपने हस्बैंड्स के ताबे रहना सीखें, अपने खुदावंद के ताबे रहना सीखें, और अपने बच्चों को जो है वो पाक कलाम की बातें सिखाएँ, उनको चर्च लाने की आदत बताएं और सिखाएं कि कैसे हमने अपने चर्च को अटेंड करना है। तो ये बातें, ये नेमतें, ये बरकतें खुदावंद सबको देने के लिए तैयार है। इसके लिए हमारा तैयार होना पहले ज़रूरी है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता करें। हम मिसेस इमैनुअल परवेज़ के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे, क्योंकि अपने बारे में शेयर करना, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। और जितनी दलेरी से
उन्होंने आज बयान किया है, मेरा ख्याल है कि भरपूर तालियां होनी चाहिए उनके लिए। आप कहते होंगे कि हमें तो बुलाया है तो हम सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। तो हमारी अभी जो कोशिश है कि हम थोड़ा आपको भी सुने, जैसे बाजी ने अपने हस्बैंड की तारीफ़ें की हैं, हम चाहते हैं कि आपने भी 25 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, आप भी ज़रा वो इजहार करें जो जिसका फादर जी ज़िक्र कर रहे थे, जिसका बाजी ज़िक्र कर रहे थे, तो आप भी ज़रा वो इजहार करें, हम देखें कि आप कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं चाहूँगा कि ये माइक जो है ये सामने जो जोड़ा बैठा है उनको दिया जाए ताकि हम उन्हें भी पूछें। जी भाई, आपका नाम क्या है? परवेज़ आलम। परवेज़ आलम साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारी बाजी की कौन सी आदत आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ जी, एक तो ये खाना बहुत अच्छा पकाती हैं। जी तो तालियां होनी चाहिए बाजी के लिए, खाना अच्छा पकाती हैं। जी बिल्कुल, जब खाना हम लोग बनाते हैं तो अपने जो हस्बैंड है उसके दिल तक पहुंचने का एक ही हमारे पास तरीका होता है कि हम अच्छा खाना बना लें। तो आपने तो बता दिया कि आपको इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, अब हम बाजी से भी पूछना चाहेंगे कि उनको आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है? सारी बात नहीं अच्छी। नहीं, कोई एक ज़रा स्पेशल हमें बता दें कि जो आपको बहुत अच्छी लगती है। सारी तो अच्छी लगती हैं, वो सारे अच्छे लगते हैं तो 25 साल गुजरे हैं। चलें जी, इसके लिए भी ज़ोरदार तालियां। और जब कभी दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो पहले कौन मनाता है? कभी हुई नहीं है। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है 25 सालों में। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटी इंसान से हो जाती है, सॉरी बंदा कर लेता है, कोई ये बुरी बात नहीं है सॉरी करना। तो जब कभी ऐसा हो तो पहले वो सॉरी करते हैं कि आप करती हैं? चले जी, फिर मान गए ना, हमने मना तो लिया कि भाई सॉरी करनी चाहिए, जिसकी गलती हो उसको सॉरी करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। उसी में सबको सलाम। मेरी वाइफ 1993 को मेरी शादी हुई और इन्होंने सही पार्टनर, लाइफ पार्टनर होने का मेरे साथ पकड़ा किया, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ, पूरी वफादारी पूरी ईमानदारी के साथ वक्त गुजारा। और इन्होंने बच्चों को पढ़ाने में मेरे साथ बड़ी हेल्प की है। ज़िंदगी में नशे को फराक आए मगर हम दोनों ने ऐसे गुजारे कि जैसे आए ही नहीं, हमने हंसी खुशी जना वो गुजारे हैं। और 25 साल इतने मज़े के गुजरे हैं, मुश्किल होते हुए भी हमने ना वो मज़े मज़े से गुजारा है। सो भाईजान, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं लेकिन आप एक बात में कंजूसी कर रहे हैं। हमने बाजी की कोई तारीफ पूछी थी आपसे, ठीक है? की तारीफ नहीं है। नहीं, आप सारी तारीफें कर रहे हैं, मुझे पता है आप तारीफें कर रहे हैं, लेकिन कोई एक बात कहने से क्यों शर्मा रहे हैं? वो तो आज भी इनसे कहता हूं मैं, आई लव यू। जी, सो वो आई लव यू कहते हैं जी। जी बाजी, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। आप बताएं कि भाईजन की कोई अच्छी बात आपको, जो सारी बातें अच्छी हैं। वो तो हमने कहा है कि 25 साल ऐवें नहीं गुजरे हैं, 25 सालों में सब कुछ अच्छा था तो अच्छा है, आज भी अच्छा है, लेकिन तो फिर लड़ाई जब होती है तो कौन मनाता है? पहले आप सॉरी करते हैं कि बाजी करती है? ज्यादा मैं ही करता हूं। जी आजकल फिर खवातीन की हुकूमत है, सारे मर्द इनकी मेरे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है, इनकी सारी बातें अच्छी होती हैं। अच्छा, जब ये गुस्सा करते हैं तब भी अच्छा ही करते हैं? गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, अच्छा थोड़ी देर के लिए होता है। अच्छा, तो गुस्सा नहीं करते तो क्या करते हैं, अगर गुस्सा नहीं करते तो? थोड़ी देर का ही होता है गुस्सा, बाद में फिर
अच्छा ये बाद में गुस्सा करके खुद ही माफ़ी मांग लेते हैं या आप सॉरी करती हैं? सो यूसुफ साहब भी कहते हैं जी जब कभी मुझे गुस्सा आ जाए तो गलती मेरी हो तो मैं खुद ही सॉरी कर लेता हूँ। सो इस जोड़े के लिए भी जोरदार ताली। सो आपसे आपका नाम सर मनशम सी से हम पूछेंगे कि 25 साल जिंदगी गुजारी है उन्होंने, आज सिल्वर जुबली है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कौन सी बात जो है वो बाजी की आपको बहुत अच्छी लगती है? कहने में मतलब तो मैं यूं हूँ कि यहाँ गला अच्छे हैं ना मेरे खानदान में, दो मुझे अपने बीवी के खानदान में अच्छी कितने भी आना जाना अच्छी दो वाले खानदान से प्यार मोहब्बत ना लाना जाना। सो जी उनका प्यार मोहब्बत जो है वो बहुत अच्छा लगता है, जोरदार तालियां इस बात के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। सो आप हमें बताएं भाई को खाने में कौन सी चीज बहुत पसंद है? हाँ जी भाई को गोश्त पसंद है जी, जोरदार तालियां जी। आलू गोभी भी जबरदस्त, आलू गोभी मुझे भी पसंद है। सो मैं कहता हूँ इसके लिए डबल तालियां होनी चाहिए। चले ठीक है, थैंक यू जी। भाई जान आपका क्या नाम है? नदीम अनवर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25 सालों में कौन सी बाजी की जो आदत है आपने देखा है कि बहुत अच्छी है? जी दुआ करना इसके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दुआ करना। अच्छा दुआ आप इकट्ठे करते हैं या अलग अलग करते हैं? इकट्ठे करते हैं। सो इसके लिए और भी जोरदार था खानदानी दुआ करना, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर कभी मियां बीवी के अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो जब वो दुआ के लिए बैठेंगे तो फिर सुलह हो जाएगी। इसलिए इकट्ठे जब हम दुआ करते हैं तो वो बहुत अच्छी आदत है। तो बाजी आपसे पूछना चाहेंगे इनकी आदत आपको कौन सी अच्छी लगती है? सब आदतें अच्छी लगती हैं। ये सब खवातीन ने कहा कि हमें सब की मतलब जो अपने हस्बैंड की सब आदतें अच्छी लगती हैं। सो ये फितरती बात है कि मर्द की आदतें अच्छी लगनी भी चाहिए अपने मर्द की, ठीक है। लेकिन हम तो एक बात पूछ रहे हैं, एक बात हमें बताएं कौन सी इनकी अच्छी लगती है? ये गुस्सा नहीं करते जी, जोरदार तालियां। तो फिर इसका मतलब ये है जब कभी लड़ाई होती है तो यही सॉरी करते होंगे। कौन सॉरी करता पहले? जी पहली जोड़ी ऐसी आई है, पहला जोड़ा ऐसा आया है जिसमें जो है किसी खातून ने कहा है कि मैं सॉरी कर लेती हूँ। सो ये सॉरी करना कोई बुरी बात ही नहीं है जब बंदे की गलती हो। सो जोरदार तालियां इस जोड़े के लिए। अच्छा चलिए, पहले हम पूछ रहे थे कि लड़ाई वो किसकी लड़ाई होती, कौन सॉरी करता है। भाईजान आपका क्या नाम है? मेरा नाम सगीर गिल। सगीर गिल, सगीर गिल, सगीर गिल। और सगीर साहब से हम पूछेंगे आप बाजी से ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? प्यार तो दोनों ही करते हैं। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा करते हैं कि आप ज़्यादा करते हैं? हाँ जी वो कह रहे हैं जी मुझे मालूम नहीं। चलें बाजी से पूछ लेते हैं। बाजी आप बता दें आप ज़्यादा प्यार करती हैं भाई से कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं? दोनों ही करते हैं। अच्छा आप ज़्यादा लड़ाई करती हैं भाई से कि वो करते हैं? ये तो बताएं ना, मतलब गुस्सा किसको ज़्यादा आता है? अच्छा तो सॉरी पहले कौन कर देता है? हाँ जी गुस्सा इनको आता है, सॉरी वो करती है। सो ये चले कोई बात नहीं, खानदानों में ऐसे ही सिलसिला चलता है, किसी ना किसी को तो हारना होता है वरना काम नहीं चलता। सो बाजी के लिए जोरदार तालियां वो सॉरी कर लेती हैं, और भाई के लिए तालियां, वो कहते हैं प्यार मैं बहुत करता हूँ लेकिन गुस्से के साथ।
जी आपने जी भाई जान, आप अपना नाम ज़रा बता दीजिएगा। लियाकत मसीह। लियाकत मसीह, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी बीवी को ज़्यादा प्यार करते हैं या वो आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं? क्या कोई पैमाना है कि जहाँ आप इस प्यार को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो कौन सा ऐसा पैमाना है? अगर हम खुदावंद से प्यार करें तो खुदावंद की राह यही बताती कि अपने बच्चों से। बिल्कुल, पैमाना मैं आपको बता देती हूँ, सातवां सैक्रामेंट जो है वो निकाह का पाक सैक्रामेंट है और उस पैमाने से हम नाप सकते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वो हुक्म के मुताबिक हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ जी बाजी, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? कभी इन 25 सालों में कोई लड़ाई झगड़ा आपका हुआ? हो जाता है। बिल्कुल आपने सच्ची बात कही है, क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए आपस में टकरा जाते हैं। और आप बताएं कि कभी किस बात से ज्यादा झगड़ा होता है? बस छोटी-छोटी गलत होते हैं। तो उन छोटी छोटी बातों को खत्म करने के लिए आप कौन सा तरीका जो है वो अख्तियार करती हैं? बस खामोश हो जाती है। हाँ जी, आप खामोश हो जाती हैं कि सॉरी बोलती हैं? सॉरी भी बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, आप सब इनके लिए तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो बाप है आसमानी बाप, वो भी हमें माफ़ कर देता है और हमें भी वही इख्तियार जो है खुदावंद ने दिया है कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। आपका नाम क्या है? अच्छा जी, मुझे आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड की कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? जब ये बारिश से आते हैं ना, तो मैं इनका नज़र ना आना, तो ये आते ही पूछते हैं आपके बच्चों से, जान कोई भी हो तुमसे पूछते हैं कि आपकी मामा कहाँ हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो मैं भाईजान से पूछूंगी कि आपको बाजी में कौन सी बात जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है? यही इनको देख मैं नहीं, घर में वक्त जैसे होता है ना, वक्त पे आ गया, वक्त पे आ गया। हाँ, वक्त पड़ जाता है आपको, मतलब इनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। बिल्कुल हमारा अकेला रहना इस दुनिया में अच्छा नहीं है, इसीलिए खुदा ने हमारे साथ एक मददगार औरत को कर दिया। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए इस जोड़े के लिए। जी भाईजान, आपका नाम? अकरम सिंह। आप मुझे ये बात बताइए कि आप अपनी बीवी को या बच्चों को प्यार करते हैं ज़्यादा? बीवी को प्यार करते हैं या ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं? बच्चों को भी करते हैं और बीवी को भी। लेकिन आप किस तरह से आप कह सकते हैं कि मैं बच्चों को प्यार करता हूँ और बीवी, आप एक बात बताएंगे कि आप ज़्यादा बीवी को प्यार करते हैं या बच्चों को प्यार करते हैं? दोनों को प्यार करते हैं। बिल्कुल, ये खानदान जो है पाक खानदान की तरह जुड़ा हुआ है और उनमें बहुत ही प्यार जो है वो नजर आता है। बाजी, मैं आपसे पूछूंगी कि भाईजान खाने में क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं? वेजिटेबल्स। अच्छा जी, वेजिटेबल्स तो बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए भाई की सेहत बहुत अच्छी नजर आ रही है आपकी भरपूर तालियों में। जी भाईजान, आप अपना नाम बता दीजिए। आरिफ बशीर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप की मिसेज जो हैं कभी बाजार से कुछ लाने की फरमाइश करती हैं आप? कौन सी चीज़ है जिसकी फरमाइश करती हैं? कभी है लेकिन पूरी नहीं होती। कोई बात नहीं, कभी कभी मेरी भी नहीं होती। खाने में सबसे ज्यादा कौन सी चीज को पसंद करते हैं? गोश्त को पसंद करते हैं वो, इसीलिए वो ज्यादा कहते हैं कि जी आप खुद ही जाके खरीद लाए, ज्यादा हड्डियां ही ना आ जाए या मांस ही ना आ जाए। हाँ जी, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ आपने? हाँ जी। किस बात से? चले, लड़ाई झगड़ा तो हो गया, कैसे मनाते हैं एक दूसरे को? हाँ जी, अज़वाजी की जिंदगी जो है इसको चलाने के लिए, अपने खानदान की चलाने के लिए अगर आपको सॉरी भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, ऐसे ही इस कपल ने कहा है। आप भरपूर तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। आप भजन नाम बताएं। पत्रस साहब, आप मुझे बताएं कि इन 25 सालों में कौन सी बात जो है जो आपके लिए यादगार हो इनकी तरफ से, जो इन्होंने सरप्राइज दिया हो आप? मेरे बाप की खिदमत करना। जी, बाप की खिदमत करना, जी बहुत अच्छी बात है। तो बाजी, आपको इनकी कौन सी बात अच्छी लगती है? बाजी 25 साल हो गए हैं, ठीक है,
چلے جی زوردار تالیاں جی اس جوڑے کے لیے. جی آگے آ جائیں. آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی گھر میں تو یہ موقع ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرے, تو چلیں آج موقع ملا تو پھر کریں. جی بھجن کیا نام ہے آپ کا؟ رفیق مسیح. جی آگے رفیق صاحب, آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ باجی ہمیشہ کس چیز کی زیادہ فرمائش کرتی ہیں؟ رات کو بازار سے کھانا لانے کی فرمائش کرتی ہیں. سو دیکھیں خواتین کو بنانا پڑتا ہے, اگر وہ کر دیتی ہیں تو چلو روزانہ نہیں کبھی کبھی تو پوری کر دینی چاہیے. جی تو بھائی جان زیادہ فرمائش کس چیز کی کرتے ہیں؟ اچھا جو بھی ملے بازار سے لا کے کھا لیتے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کبھی لڑائی جھگڑا ہوا آپس میں؟ تو پھر مناتا کون ہے پہلے؟ اچھا یہی مناتے ہیں کیونکہ وہ اچھا کھانا لاتے ہوں گے باجی, مان جاتی ہوں گی. سو تالیاں اس جوڑے کے لیے. جی بھجن آپ کا کیا نام ہے؟ اس مائک میں بتانا. ہاں دونوں پتہ. میرا نام الیاس صاحب ہے. جی الیاس صاحب, کبھی آپ نے, آپ بھجن مجھے لگ رہے ہیں جیسے شاعر ہیں, گیت لکھتے ہیں, تو کبھی باجی کے لیے کوئی غزل لکھی؟ جیزس کے لیے. ہاں جی جیزس کے لیے گیت لکھتے ہیں, زوردار تالیاں. تو جو شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں, تو کبھی انہوں نے کسی بات سے آپ کا دل توڑا؟ نہیں جی کبھی نہیں توڑا جی, زوردار تالیاں. تو باجی آپ مجھے بتائیں کہ ان کی کون سی بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ یہ مائک دیں, ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. بھائی خود ہی سارے اچھے ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ان کی جو خاص بات ہے, ان کا شاعری کرنا, ان کا غصہ کرنا, ان کا آپ کو شاپنگ کروانا, ان کا آپ کو اچھی اچھی چیزیں لا کے دینا, یہ ساری باتیں تو اچھی لگتی ہیں, ان میں سے ایک کون سی اچھی لگتی ہے؟ ان کا گیت گانا بہت اچھا لگتا ہے. زوردار تالیاں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اچھا چلیں جی گیت ہو جائے. ہاں جی ابھی اسی حال میں انہوں نے لکھا ہے. اچھا سوری, شاعرانہ انداز میں بتا رہے تھے کہ میں نے حال میں ہی لکھا ہے, یعنی تھوڑے دن ہوئے لکھا ہے, وہ میں نے اپنے پاس سے لگایا کہ اسی حال میں لکھا ہے. جی سر یہ توبہ کا گیت ہے. جی جی توبہ کر بندیا, توبہ کر بندیا, توبہ کر بندیا, توبہ کر بندیا, گناہاں دی مزدوری موت شیطان دا کر بندیا, گناہاں دی مزدوری موت شیطان دا کر بندیا, توبہ کر بندیا, توبہ کر بندیا. جی زوردار تالیاں بھائی جان کے لیے, بہت خوبصورت گیت لکھا اور گایا. جی بابو جی آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں آپ مناد ہیں, تو مناد جو ہے وہ زیادہ تر خدمت کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہے, تو اس سارے سلسلے میں باجی نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا مجھے بتائیں. اچھا بھائی مجھے جو اپنی جو میری پاسبانی خدمت ہے, جو لاکھے سے یا میں ذاتی طور پر اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں کہ اگر میں گھر میں نہیں بھی ہوں, میرے لاکھے سے کوئی بھی آیا ہے یا لاکھے سے باہر بھی, ان کی کوشش ہوتی ہے, یہ خاندانی روایت ہے ہماری کہ بغیر پانی چائے یا کھانے کا ڈم تو بغیر ہم جانے نہیں دیتے. مجھے سب سے اچھی بات ان کی یہ لگتی ہے, اور یہ ان کی قدر جو ہے یہ میری خدمت کو اور زیادہ مضبوط کر دی. جب میں علاقے میں جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا, وہ گھر جاتا تو کہتے ہیں کہ بابو جی آپ گھر میں نہیں تھے لیکن بوا جی نے ہماری اتنی خدمت کی, ہم بہت, یہ بڑی اچھی قدر ہے. سو بوا جی کے لیے زوردار تالیاں.
تو بوا جی آپ بھی ہمیں بتائیں کہ بابو جی کی کون سی عادت جو ہے آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے 18-19 جوڑے آئے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا میرے ہسبینڈ کی یہ بات مجھے بری لگتی ہے، ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن کوئی ایک بات زیادہ انسان کو اچھی لگتی ہوتی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ خدمت کرتی ہے، میں نہ بھی گھر میں ہوں تو آپ کی یہ بات ان کو اچھی لگتی ہے، تو آپ کو ان کی کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ جی اعتماد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، زوردار تالیاں بابو جی کے لیے بھی۔ سو چھوٹا سا سوال، بابو جی کون مناتا ہے پہلے؟ نہیں چلے، آپ سے 38 سالوں میں تو لڑائی ویسے ہی کم کم ہو جاتی، کبھی ایک بار سوری کرنی پڑتی ہے۔ اچھا مجھے نا شروع شروع میں بہت غصہ آتا تھا، تو میرے ابو میرے ایک دن کہنے لگے، اچھا یار آپ منا بھی بن سکتے، بہتر آپ خدمت چھوڑ دیتے، آپ دارا مجھے غصہ بہت آتا تھا، تو ان کا بہت اچھا کردار ہے کہ انہوں نے میرے غصے کو نا بہت ختم کیا، تو یہ میری خدمت میں سب سے بڑی کمزوری تھی کہ مجھے غصہ آ جاتا تھا، تو جب بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے تو اچھی بات یہ کہ سوری میں نہیں کرتا، ویسے یہ مناہوں لیں گے۔ سو آہستہ آہستہ انہوں نے سوری کر کر کے بابو جی کو بھی سوری بنا دی۔ اصل میں یہ 25 سالہ جمعہ کے لیے ایک خصوصی پروگرام تقدیم دیا گیا ہے، تو ہمارے ابھی 6 سال کم ہیں، تو ہم ان سے ذرا آسان سوال کرتے ہیں۔ جی ان سے ہم آسان سوال پوچھیں گے۔ بابو جی یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی زیادہ عزت کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کی زیادہ عزت کرتے ہیں؟ بہت آسان سوال پوچھا میں نے۔ میں نے ویسے کوشش کی ہے کہ دونوں کی برابری کروں۔ جی زوردار تالیاں، برابری کرنی چاہیے، زبردست۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بوا جی کی کون سی عادت جو ہیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں؟ ویسے تو ساری اچھی ہیں، لیکن دو مرتبہ 2010 میں مجھے بہت زبردست قسم کا ڈینگی ہو گیا تھا، ڈینگی بخار، شاید زندگی اور موت کے کشمکش میں تھی، تو مجھے تقریباً 25 وائٹ سیل کی بوتلیں جو ہے وہ لگی ہیں، ٹھیک ہے 25، لیکن ان کی وجہ سے شاید دو لوگ تھے خدا کے بعد جنہوں نے مجھے زندگی دی، ایک فادر طارق عزیز اور دوسری میری بیوی، کیونکہ سو زوردار تالیاں بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ شاید اگر آپ انتظام نہیں کر سکتے تو، کیونکہ کافی لوگوں کی 2010 میں ڈینگی کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے پرانے علاقے میں کب گئی کب، لیکن انہوں نے مجھے نئی زندگی دی اور مجھے بچایا، اور پھر 2014 میں عام سے کسی کو نہیں پتا کہ مجھے فالج ہے، مجھے فالج ہو گیا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی ایک تو خدا کی بڑی مہربانی اور شفقت تھی، اور دوسرا اس میں میری بیوی کا بڑا قدر تھا، اس لیے یہ دو آسان ہیں جن کو میں کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے نہیں بھول سکتا۔ سو باجی بڑی تعریفیں کی بابو جی نے، کوئی تعریف آپ بھی کر دیں بابو جی کی۔ سب سے زیادہ خوشی رہتے ہیں، جی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، زوردار تالیاں اس بات کے لیے، سو تھینک یو ویری مچ۔ اچھا چلیں جی، یہ پھر آپ خوش رہتے ہیں تو لوگوں کو بھی خوش کریں۔ چلا میرا جیو ڈولا کوئی جوڑا پکھیاں دا، ایک واری تک سونیے کی جاندا اکھیاں دا، جی بابا۔ چلا میرا جیو ڈولا ایک جوڑا پکھیاں دا، او ایک ڈولا آپ سونا دوجا زاد میں اکھیاں دا۔ واہ جی تالیاں، جی تالیاں۔ زوردار تالیاں ہونی چاہیے بھائی بابو جی کے لیے، بوا جی کے لیے۔ سو ابھی باری ہے کہ آپ چونکہ اپنی سلور جبلی منا رہے ہیں،
और सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल पैरिश की तरफ से आपके लिए आपके ख़ानदान के लिए सर्टिफिकेट जो हैं वो तैयार किए गए हैं। सो इस एफर्ट के लिए, इस कोशिश के लिए हम रेवरेंड फादर अनायत बर्नर्ड और उनकी सारी टीम के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। ये सबसे पहले मैं ये जो आज के मुंतजमीन थे कैथलिक टीवी और मिस्टर एंड प्रोफेसर मैनुअल, इनको सर्टिफिकेट देने के बाद फिर बाबूजी को माइक दूंगा, तो वो फिर नाम बुलाएंगे और मैं सर्टिफिकेट्स दूंगा। सर्टिफिकेट्स में हम 5-6 लोग होंगे, मैं, 2 सिस्टर्स, फादर जी और हमारे मिस्टर एंड मिसेज मैनुअल। तो पहले मैं इनको ये सर्टिफिकेट दूंगा, इस पर लिखा है ये ख़ानदानी बरकत, और ये अदद की किताब में जो है कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे, ये परवेज मैनुअल और शायस्ता परवेज के लिए। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए, खुदावंद अपना चेहरे तेरी तरफ मतवजो करे और तुझे सलामती बख्शे। ये अदद किताब उसके 6वें बाब उसकी 24वीं से 26वीं आयत तक है। ये आयत बरकत सब के लिए है, लेकिन चूँकि मुंतजमीन में शामिल हैं इसे मैं उन्हें ये सर्टिफिकेट्स मैं उन्हें अपने खुद बुला के अनाउंस करके दूंगा, और बाद में फिर बाबूजी वो नाम बुलाएंगे, वो साथ साथ आएंगे। तो प्रवेश ये मैनुअल प्रवेश साहब और शायस्ता प्रवेश सामने आई, फादर हेनरी जो हमारे डायरेक्टर हैं ये भी सामने आएंगे। एक और सर्टिफिकेट जो मैं इसका ऐलान करना चाहता हूँ, कैथलिक टीवी के हमारे जो डायरेक्टर हैं जैस्पर आशिक और उनकी मिसेज अजबेला जैस्पर, वो सामने आएँ और उनकी हौसला अफजाई के लिए ये आयत यही है और ये ख़ानदानी बरकत, क्योंकि इन्होंने ये फैमिली फेलोशिप का प्रोग्राम मुनाकिद किया, इसलिए ये हमें अपने ख़ानदान में आज इस सिलसिले में ये फ्रेम करके अपने घर में ये तस्वीर लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर लिखा है ख़ानदानी बरकत, जो 2 से 25 साल वाले उनके ऊपर जो टाइटल फ़र्क है, तो ये ख़ानदानी बरकत जैस्पर आशिक कैथलिक टीवी के डायरेक्टर और इज़बेला जैस्पर इनके मिसेस। मैं भाई इलियास और बासरा बाजी को दावत दूंगा कि वो सामने आएंगी और अपना ये खूबसूरत 25 साल सिल्वर जुबली का सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। इलियास और बासरा। फादर अनायत बर्नर्ड इनको अपने दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत सर्टिफिकेट देंगे। इसके बाद परवेज़ आलम और नसरीन, परवेज़ आलम और नसरीन आएंगे। इसके बाद तारिक और फौजिया, ओके ओके, यूसुफ और अजरा, ओके ओके, तीन तीन। यूसुफ और अजरा। इसके बाद सिस्टर अंजलिना मेहरबानी से आ जाएंगी। इसके बाद नदीम और नसरीन, सिस्टर अंजलिना आ जाएं प्लीज, फादर जी बैठे नहीं। नदीम और नसरीन, नदीम और नसरीन के बाद मंशा और इनट, इसके बाद रफीक और शहनाज, रफीक और शहनाज। बाबू नदीम आ जाएं, बाबू नदीम थोड़ी मदद करेंगे, बाबू नदीम हदायत। और इसके साथ सिस्टर जी प्लीज आप भी आ जाएं। लियाकत और नसरीन आ जाएं, सिस्टर जी आ जाएं प्लीज आप, सिस्टर अंजलिना प्लीज आप बैठें। इसके बाद अकरम और अलिजबत,
जी सिस्टर जी बैठे हैं आप प्लीज़ मेहरबानी इसके बाद जी फादर जी आप हैं सगीर गिल और रहाना सगीर गिल और रहाना इसके बाद आमर रजाक और मैरी रोजीना फादर जी प्लीज़ तशरीफ़ रखें बाजी शाइस्ता प्लीज़ आप आएँ यूनस और शाजिया यूनस और शाजिया आरफ और परवीन क्रिस्टीना इसके बाद पतरस और कौसर पतरस और कौसर जी आए जी बाजी आप तशरीफ़ रखें जी भाई मैनुअल साहब आप हैं अरशद और बुशरा हाँ जी आज हम सब जानते हैं कि जो ख़ानदान यहाँ पे आए हैं हम सिल्वर जुबली मनाने के लिए आए हैं और कोई भी आज हमारे घरों में हमारे स्कूलों में हमारे इदारों में कहीं भी कोई भी सेलिब्रेशन हो तो ये केक के बगैर अधूरी होती है तो जब कोई कुछ मीठा ना हो तो फिर जुबली कैसी सो ज़ोरदार तालियां हो जाएं और अभी सिल्वर जुबली का जो केक है वो काटा जाएगा और ये आज दो केक जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं एक मंशा मसीह की तरफ से है और दूसरा इमैनुअल परवेज की तरफ से है सो ज़ोरदार तालियां दोनों ख़ानदानों के लिए और इसको जो काटने की रस्म है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी सिस्टर्स हमारे फादर्स अदा करेंगे लेकिन जिनकी जुबली है वो बाद में काट के एक दूसरे को खिलाएंगे ठीक है सो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ अपने गेस्ट्स को सिस्टर्स को फादर्स को कि वो सामने आएं और ये केक काटें और उनके केक काटने से हाँ जी और साथ उनके हमारे जो मनाज साहबान हैं उनकी तरफ से बाबू सरफराज जुबली का ये केक काटा जा रहा है भरपूर तालियों में Thank you.
مقدس میں سے رہنمائی کو حاصل کریں گے. امثال 16 باب اس کی 3 آیت. اپنے کام خداوند کے سپرد کر تو تیرے منصوبے قائم رہیں گے. ابھی میں آخری دعا کے لیے بابو جاوید انور کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آخری دعا میں ہماری رہنمائی کریں. باپ اور بیٹے روح پاک کے نام سے آمین. عرض و سما کے خالق اور مالک مہربان خدا، تو جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، تیرا نام کیا ہی عظیم ہے. آج کی شام خداوند تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ان ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے جو اپنی مہربانی، اپنی فیاضی کے ساتھ اپنے لوگوں کی زندگی میں عطا کرتا ہے. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے خداوند اس سے ملتجی ہیں ریورنڈ فادر عنایت برنٹ کے لیے، ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے خداوند 25 سالہ تمام جوڑوں کے لیے آج کا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کی تجرباتی زندگی سے سیکھ سکیں، سکھا سکیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو مضبوط کر سکیں. اے خداوند ان سارے جوڑوں کی زندگیوں اور ان کے خاندانوں کو برکت دے، بخش دے کہ جس طرح تو نے گزرے ہوئے 25 سالوں میں اپنے لوگوں کو زندگی کی خوشیاں، زندگی کی بھرپوری، تندرستی، عمر کی درازی اور بے شمار خوشیوں سے نوازا ہے. اے خداوند آنے والے سالوں میں بھی اپنے ان لوگوں کو اچھی صحت دینا، زندگی دینا اور خداوند ان کے خاندانوں کو خوشحالی عطا کرنا. بخش دے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تابعداری، وفاداری اور ہمیشہ ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے خاندانوں میں خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے اور ہماری زندگیوں میں ہمیشہ پاک خاندان کا نمونہ ہمارے سامنے رہے اور ہم اچھے والدین ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین اچھی تربیت اور پرورش کریں. تجھ سے دعا بھی مانگتے ہیں خداوند اپنے ہر دل عزیز ریورن فادر عنایت برنٹ کے لیے جو کلیسیا کی ترقی، بہتری اور بلائی کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے، اچھا کہتے اور اچھا کرتے ہیں. اے خداوند تو ان کو ہمیشہ اپنی پاک روح کی بھرپوری عطا فرمانا تاکہ سیکرڈ ہارٹ کی کلیسیا کے لیے بہت ساری روحانی، جسمانی ترقی کا وسیلہ اور ذریعہ بنے. تو اس سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تو ان سارے جوڑوں کو جنہوں نے آج کا خوبصورت پروگرام خداوند تیری پاک حضوری میں اس پروگرام میں اپنی معاونت کی ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، تو اس کے وسیلے ہم سبوں کو برکت دینا مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. باپ اور بیٹے روح پاک کے نام سے آمین. اس سے پہلے کہ فادر جی آخری برکت دیں تو میں چاہوں گا کہ میں کیتھولک ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے فادر جی کا آپ کی بھرپور تالیوں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور فادر جی ہمیشہ کیتھولک ٹی وی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور رہیں گے اور ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کیتھولک ٹی وی جو ہے وہ جلد از جلد سیٹلائٹ پہ آئے. تو ہم فادر جی کی اس ساری کوشش کے لیے وہ پروگرام بھی کرواتے ہیں اور تمام میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہولڈ کرتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. سو ابھی اختتامی برکت. ہم سب کھڑے ہو کر وہی دعا کریں گے جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. سلام مریم، پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورت میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پر یسوع. جلال باپ اور بیٹے القدس کا ہو، اور خدا قادر مطلق باپ کی برکت آپ پر اب سے لے کر ہمیشہ تک قائم رہے. باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین. نفرت کی لہروں کو پیار سے دھوتی ہے ہر آنگن میں.
ਰੋਸ਼ਨ